मोस्ट वेलकम डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न की गानों का रिमिक्स बजाने वाला। चलिए डियर स्टार्ट करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन को और बनाते हैं इसे कुछ खास। और देखिए, ये जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं भूगोल के। देखिए, जियोग्राफी का जो उनका पेपर प्रतिदर्श प्रश्न पत्र जो है 2023-24 भूगोल के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कक्षा 12 के विद्यार्थी जो कि भूगोल को लिए हुए वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चली, डिस्कस बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम को देखते हुए। और डिस्कस ये जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज के द्वारा सुझाया गया ये पेपर है। निश्चित तौर पर अगर इस पूरे पेपर को देख लेते हैं आप लोग, तो यहाँ से आप लोग को लाभ जरूर मिलने वाला है। तो चलिए, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भूगोल के इस महत्वपूर्ण सेशन को करते हैं हम लोग स्टार्ट बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तो देखिए, प्रश्नों की श्रृंखला में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो देखिए पहला बहुविकल्पी प्रश्न, देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट होती है, जिसमें पहला हम लोग का प्रश्न क्या है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। प्रोफेसर अमृत सेन, डॉक्टर महबूब उल हक, एलन सी शेम्पुल रेंटजिल। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक। देखिए, मानव विकास की अवधारणा के बारे में देखा जाए तो डॉक्टर महबूब उल हक का बहुत बड़ा योगदान है, और ये जो है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है। कौन? डॉक्टर महबूब उल हक। तो देखिए, मानव विकास की अवधारणा पाकिस्तानी अर्थशास्त्री जो थे डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा। और ये कहाँ के अर्थशास्त्री थे? पाकिस्तान के। निम्नलिखित देशों में से किस देश ने सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? देखिए, यहाँ पर बात किया जाए तो इसमें डेनमार्क जो होगा वो राइट हो जाएगा आप लोगों का दूसरे प्रश्न का। तो सहकारी कृषि का सफल परीक्षण करने वाला जो देश है वो डेनमार्क है। ठीक है ना, कि और देखा जाए तो ये अगर जो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो डेनमार्क में यह आंदोलन इतना सफल रहा कि व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो हर किसान एक सहकारी समिति का सदस्य है। मतलब सहकारी समिति का हर एक किसान सदस्य बन चुका है डेनमार्क में। ठीक है, इसीलिए देखिए सभी जो है वो मुख्य रूप से हैं, कई चीजों में, कई मायनों में जो है ये लोग शीर्ष पर दिखते हैं। तीसरा देखिए, मतलब प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलमार्ग मेक्सिको की खाड़ी में है? बताइए कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए इस प्रश्न का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा जो प्रश्न है ये बताइए, इसका भी उत्तर देखिए यहाँ पर, उत्तरमाला दिया भी गया। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप नहीं है? मनोरंजन सेवा है, चीनी का उत्पादन, हलवाई का कार्य, चल अचल संपत्ति का क्रय विक्रय। तो बताइए तृतीय क्रियाकलाप कौन सा इसमें से नहीं है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में देखा जाए तो क्या देखने को मिलता है? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में अगर देखा जाए तो देखिए, प्रमुख फसल इसमें अगर देखा जाए तो गेहूं है। ठीक है, अगर बात करें तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में तो सबसे प्रमुख फसल कौन है? गेहूं है। और इसके अलावा देखा जाए तो मक्का हो गया, जौ हो गया, राई हो गया, जई, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। देखिए, इसमें होता क्या है कि यहाँ पर देखिए ये जो होगा इसमें प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। देखिए ये चीज, यानी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में अगर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। ठीक है ना, तो देखिए कृषि भूमि के क्षेत्र में बड़े क्षेत्र पर देखा जाए तो कुल उत्पादन क्या रहता है इसका? अधिक रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों का। भारत के पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह नहीं है? ये प्रश्न संख्या आप लोग का 6 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह नहीं है? मुंबई, मार्मा गोवा, चेन्नई, तुतीकोरिन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मुंबई है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पूर्वी तट पर जो बंदरगाह नहीं है उसका नाम है मुंबई हो गया, कांडला हो गया, न्यू मैंगलोर हो गया। तो ये जो है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है ना, तो पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह है, जबकि देखिए मार्मा गोवा, चेन्नई, तुतीकोरिन जो है ये सब जो है वो आप लोगों के क्या हो जाएंगे? पूर्वी तट के बंदरगाह हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया कि पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह नहीं है, तो मुंबई जो होगा राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? कलपक्कम, नरोरा, राणा प्रताप सागर, तारापुर। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो तारापुर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो बनाया गया था तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन था। और देखा जाए तो इसे कब स्टार्ट किया गया था? सन 1969 में। ठीक है ना, इसे 1969 में स्टार्ट किया गया था। देखिए, अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से अगर इसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है तो महाराष्ट्र के ठाणे जिले में है। महाराष्ट्र के किस जिले में? ठाणे जिले में ये एग्जैक्ट स्थित है। ठीक है ना, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका, अगर देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का भी इसमें उदाहरण रहा है।
संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की मदद से बनाया गया था। इसमें देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी अपना सहयोग दिया था और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की भी सहायता ली गई थी, जिसकी सहायता से ये तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन बनाया गया था। इसमें देखिए 8वां प्रश्न अपनों का, यहाँ पर देखिए कमेंट के अनुसार देखिए किस तरीके से कंपिटेटिव टाइप में देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है। यही नीचे कथन दिया गया, कारण दिया गया, सही विकल्प चुनकर लिखना है। कथन दिया गया, कारण दिया गया है, तो कथन सही है, कारण सही है, कथन सही, दोनों सही है, सही व्याख्या करता। देखिए एक तरीके से कंपटीशन टाइप में जो प्रश्न आप लोगों के बन रहे हैं। ये सुन देखिए अति लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में जब हम लोग बढ़ते हैं भूगोल के यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर जो 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां प्रश्न जो है, ये सभी प्रश्न जो है आप लोगों के अति लघु उत्तरी प्रश्न है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को देखिएगा आप लोग, जिन प्रश्नों में आप लोग को दिक्कत होगी उन प्रश्नों का सोल्यूशन जो है आप लोग को उपलब्ध जरूर कराया जाएगा। और डिस्कशन मैंने भूगोल के और भी लेक्चर बना रखे हैं, देखिए भूगोल के प्रीवियस ईयर के पेपर का मैंने डिस्कशन भी किया हुआ है अच्छे से, जब पेपर आया था तभी मैंने डिस्कशन किया हुआ था, तो उसे भी चपकर आप लोग देखिए और भरपूर लाभ उठाइए इस चैनल का, जिसका नाम है डीजे सर, लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में देखिए, विश्व की 90% जनसंख्या केवल 10% क्षेत्र में निवास करती है, कारण लिखिए। देखिए 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 22वां जो प्रश्न है वो है लघु उत्तरी वाले प्रश्न। ठीक है ना, देखिए किसमें कितने शब्दों में लिखना होता है ये बहुत जरूरी होता है आप लोगों के लिए। अब दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में देखिए, जब 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलता है तो उसमें अच्छे से देख लिया करिए कि किस प्रश्नों पर आपको कितना ज्यादा टॉपिक बना सकते हैं, किस पर आपको ज्यादा ज्यादा हेडिंग आ रहा है, किस पर आप एग्जामिनर को बहुत अच्छे से प्रभावित कर सकते हैं, उसे संतुष्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो 23वां, 24वां ये सभी जो प्रश्न है इसमें इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब 15 मिनट पहले जब मिले तो ये नहीं कि पहले ही लगे हीरो बनने, पहले पेपर को ध्यान से देख लीजिए अच्छे से, तब उसके बाद अपना काम करिए। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। तो देखिए ये सब डिस्कशन प्रश्न है कुछ यहाँ पर जो मानचित्र वाले हैं, मैंने मानचित्र पर भी रिलेटेड काम किया हुआ है आप लोगों के साथ, तो ये सभी 26वां प्रश्न देखिए एडिशंस और दृष्टिवादी विद्यार्थियों के लिए भी यहाँ पर है। तो इस तरीके से था ये यूपीएमएसपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज का ये महत्वपूर्ण मॉडल पेपर, यूपी बोर्ड का ये महत्वपूर्ण मॉडल पेपर। आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर।